दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 की ऑनलाइन क्लास, फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन क्लास, साइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लास व MCQ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन्हें देखें। दोस्तों आज की राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर आ रही, पाठ्यक्रम सुधारने के लिए रिसर्च विंग का इंतज़ार। तो दोस्तों पूरी खबर देखते हैं। अभ्यर्थियों की सहूलियत और त्रुटियों से बचने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में रिसर्च विंग शोध विभाग का इंतजार है। यह विंग आवश्यकता अनुसार वांछित सुधार और नवाचार करेगी। इसके बाद पाठ्यक्रमों को त्वरित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आयोग RS और अधीनस्थ सेवाओं सहित कॉलेज, स्कूल व तथा तकनीकी शिक्षा एवं अन्य विभागों की भर्ती कराता है। प्रत्येक भर्ती विभाग के लिए परीक्षा के लिए संबंधित विभाग की सिफारिश के अनुसार आयोग पाठ्यक्रम जारी करता है। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम होता है वो विभाग के अनुसार होता है, और वर्तमान में जो RPSC का पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी सिलेबस जो है फर्स्ट ग्रेड का, उसका बड़ा विस्तृत सिलेबस है हिंदी का, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड दोनों में। तो अभी ये जो नई विंग बनेगी वो सब के अंदर देखेगी कि कौन कौन से में क्या क्या सिलेबस रखा जा सकता है, और उसके अंदर RS अधीनस्थ सेवाएँ जैसे ही कॉलेज और स्कूल वह क्या था कि भर्तियों का भी सिलेबस जो नई विंग बनेगी अभी बनी नहीं है, उस बनने के बाद उसमें वापस उसको संशोधन किया जाएगा। अभी जो है सिलेबस वो विभाग भेजता है, और उसी विभाग के सिलेबस को RPSC डिस्क्रिप्टिव करके और फिर अपलोड करता है। इसमें समसामयिकी विषय संकाय व पीछे जाने वाले बिंदु शामिल होते हैं। भर्ती पाठ्यक्रम के अनुरूप ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तुरंत नहीं बदलते, और संबंधित विभाग और आयोग स्तर पर जारी होने वाले पाठ्यक्रम में नवाचार की प्रक्रिया बेहद धीमी होती है। भर्ती संस्था होने के नाते आयोग पाठ्यक्रम के लिए पूर्णतः विभाग पर निर्भर रहता है। कई विभाग पाठ्यक्रम में बदलाव किए बिना पुराने बिंदुओं विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम भेज देते हैं। आयोग भी इन्हें पोर्टल पर जारी कर देता है। परीक्षा के बाद पेपर और उत्तर कुंजी जारी होती है, जिसमें अभ्यर्थी प्रश्नों पर आपत्तियाँ देते हैं। तो दोस्तों बननी है रिसर्च विंग। अध्यक्ष दीपक उप्रेती अभ्यर्थियों की सहूलियत और त्रुटियों से बचने के लिए रिसर्च विंग बनाना चाहते हैं। इसमें विभाग के एक या दो प्रतिनिधि, कॉलेज विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ, आयोग के अधिकारियों को शामिल किया जाना है। प्रस्ताव पर चर्चा हुई लेकिन अभी इसमें अमल में नहीं लाया गया। अभ्यर्थियों को फायदा, अभ्यर्थियों को उपलब्ध होंगे सही पाठ्यक्रम। तो दोस्तों अगर ये रिसर्च विंग ज़्यादा जल्दी बन जाती है तो जो अभ्यर्थी है उनको सही जो सिलेबस है वो मिलेगा, और आपको सबका समानांतर व संतुलित बैलेंस्ड सिलेबस मिलेगा। त्रुटियां सुधार व नवाचार करने में आसानी, इससे त्रुटियां यानी गलतियां कम होगी और नवाचार यानी इनोवेशन करने में आसानी होगी। प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी पर आपत्ति देने में आएगी कमी। जो प्रश्न पत्र गलत माने जाते हैं और जो उत्तर कुंजी गलत माने जाते हैं उसमें सुधार आएगी, उसमें कमी आएगी। अभ्यर्थियों को पोर्टल पर त्वरित पाठ्यक्रम मिलेंगे, और कोई वैकेंसी आने के बाद कई समय तक जो अभ्यर्थियों को सिलेबस नहीं मिलता, बेचारे अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करते रहते हैं और उसी मानसिक वेदना में रहते हैं, तो इस समस्या से भी समाधान मिलेगा, क्योंकि जो त्वरित पाठ्यक्रम वो मिल जाएगा। जो कमेटी बनेगी वो कमेटी समय से सिलेबस निर्धारित कर देगी, और समय से सिलेबस निर्धारित करेगी तो समय भी अपलोड भी समय पे होगा, जिससे आपकी तैयारी को मूर्त रूप मिलेगा। आयोग और विभागों की पाठ्यक्रम संबंधित परेशानी दूर होगी। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर आयोग व विभाग दोनों को ही पाठ्यक्रम संबंधित समस्याएं दूर होगी, क्योंकि जो नई कमेटी बनेगी वो पाठ्यक्रम बनाएगी। तो दोस्तों ये जो कमेटी है ये बनना बड़ी आवश्यक बात है, क्योंकि इससे जो है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा RPSC की किसी भी वैकेंसी में, और जो भी नई वैकेंसी आएगी उसमें जल्दी से जल्दी डिसाइड होगा कि क्या सिलेबस होना है, और इसमें पारदर्शिता की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। हर बार आपको अपडेट सिलेबस मिलेगा, ये नहीं कि एक ही सिलेबस चला जा रहा है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिस्ट्री का सिलेबस भी बड़ा है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंग्लिश का सिलेबस है बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन अगर देखा जाए उसी के बराबर हिंदी का सिलेबस देखा जाए तो हिंदी का सिलेबस बहुत लेंथी है। तो इस प्रकार जो सिलेबस है तो सिलेबस रिव्यू होगा, और सिलेबस रिव्यू होने के बाद उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों अभी की जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें इसकी संभावनाएं नए के बराबर है, इसलिए अभी के जो अभ्यर्थी है वो चिंतित नहीं करें, भविष्य की बातें हो रही है और सभी जो RPSC की वैकेंसी उसके लिए लागू होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।